वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण संकट काल में एक ओर पूरे क्षेत्र में ग्रामीण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लालबर्रा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत ददिया में दो वार्डों में निवासरत वार्डवासियों को पंचायत की लापरवाही के कारण जल संकट से जूझना पड़ रहा है। यह मामला नगर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया अंतर्गत वार्ड क्रमांक 16 व 19 का है, जहां पर समस्त ग्रामीणों के घर में नल कनेक्शन तो है, लेकिन विगत 6 माह से इन नलों में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण मजबूरन वार्डवासियों को लगभग आधा किलोमीटर दूर खेतों में लगी मोटरों से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। लेकिन पिछले 6 माह से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त करवाने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपकी समस्या क्या है? आली पानी कुछ नहीं आ रही है, तो इसकी शिकायत आपने की पंचायत में? नहीं किए काका, हमें आपके ला करने से क्या होगा, कोई मोहल्ले वाले पूरा सही हुआ तो हो कि नहीं? कौन सा वार्ड है ये? 16 वार्ड नंबर 16। तो वार्ड के लोगों ने शिकायत नहीं की जाके पंचायत में? नहीं की। तो अभी पानी कहाँ से ला रहे हो? किसी क्या कुआ है, किसी क्या बोर है, सब कर रहे हैं आप? ये सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, खुद से लाते। यहाँ से पाइप लगाए पर पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा पानी? यहाँ से खुदाई पाइप ही नहीं निकला है अभी। तो आपने इसके में पंचायत में बताए थे? हाँ बताए थे ना पंचायत में। तो क्या बोल रहे थे? जब काम वाले आएंगे तब लगाएंगे बोले। कितने दिन से नहीं आया? एक दो महीना या 4-5-6 महीने से ज्यादा हो गया। तो अभी पानी कहाँ से ला रहे हो आप? अब घर के कुएं से। और जैसे बाकी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वो कहाँ से पीते फिर? बोरिंग से, हैंडपंप से लाते हैं। अपनी अपनी व्यवस्था से ला रहे? हाँ अपनी अपनी व्यवस्था। तो क्या होना चाहिए इसमें? इसमें सुधार होना चाहिए ना। इस संबंध में ग्राम प्रधान कृष्ण कुमार मोहबे ने बताया कि ग्राम की वार्ड क्रमांक 16 व 19 में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों के द्वारा पानी की मोटरें लगाकर पानी खींच लिया जाता है, जिसके कारण आगे वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ गौरीशंकर डहरिया बताते हैं कि पद्मेश न्यूज के माध्यम से ग्राम पंचायत ददिया के दो वार्डों में पेयजल संकट की जानकारी मिली है। जल्द ही समस्या के निराकरण के लिए निर्देशित किया जाएगा।